हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका एक आरो के रिएक्शन में और मैं हूं कविता। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो की। तो एक इस्लाम मुखालिफ यानी जो इस्लाम में गलतियां ढूंढ रहा था, वो इस्लाम में गलतियां ढूंढते ढूंढते प्रॉपर इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। नाउ इजंट इट रियली अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल, एक इंसान जो किसी चीज़ में खामियां ढूंढ रहा हो और खामियां ढूंढते ढूंढते आप उसी चीज़ को पसंद करने लगो, उसी चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा। और नाउ दिस इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग एंड अनबिलीवेबल। एंड ये पर्सनल एक्सपीरियंस लेना भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे थे और किस तरह से, कैसा, क्या एहसास, क्या फीलिंग आई उनके अंदर कि उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया। सो दिस इज रियली गोइंग टू बी अमेजिंग एंड मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है। सो आइए मेरे साथ इस वीडियो को देखिए, देयर आफ्टर इसके बारे में ऊपर इस कुछ बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फिर से हाजिर हैं आपके पास एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज की जो स्टोरी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये एक ऐसे शख्स की स्टोरी है जिन्होंने इस्लाम पर रिसर्च करना शुरू किया था इस्लाम में गलती निकालने के लिए और अपनी मुस्लिम गर्लफ्रेंड को ये साबित करने के लिए कि इस्लाम एक झूठा मज़हब है, इस्लाम में कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर इनके साथ कुछ ऐसे मौजज़े होते हैं जिसकी वजह से ये इस्लाम से इतने मुतासिर हो जाते हैं कि अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाते और फौरन ही इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अज़ीज़ बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा इस्लामी नाम ताहिर है। मैं ये वीडियो इसलिए आप लोगों की खिदमत में पेश कर रहा हूं ताकि नए मुसलमान बहन भाइयों को खुशामदीद कह सकूं जिन्होंने अपनी कहानियां यूट्यूब पर शेयर की है। और हाँ, दूसरी वजह यह है कि मैं चाहता हूं कि अपनी स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और इसके दो फ़ायदे होंगे, एक तो नए आने वालों की हौसला अफजाई के लिए वो भी अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अगर कोई इस्लाम के दायरे में दाखिल होना चाहता है तो उनको इस बात का हौसला मिलेगा और नेक काम में वो लोग जल्दी करेंगे और इस्लाम की खूबसूरती को भी हमारे साथ शेयर कर सकेंगे। अभी मैं अपनी स्टोरी ऐसे बताता हूँ कि मैं कैसे मुसलमान हुआ। जब मैं छोटा था तो मेरे वालिदैन ने मुझे चर्च में बपतिस्मा दिया और मैं मुकम्मल तौर पर एक क्रिश्चियन बन गया। और इस तरह मैं तकरीबन 20 साल तक तबातुर से चर्च जाया करता था। जब मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबक के लिए फिलॉसफी की क्लास में दाखिला लिया तो उस वक्त मैंने ज़िंदगी के इसरार और मकासद जानने की जस्तजू शुरू की और तरह तरह के सवालात मेरे जहन में उठने लगे। ये ज़िंदगी क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। और मैं क्यों ईसाई हूँ, मुझे क्यों खुदा को मानना है, वगैरह वगैरह। बाज़ औक़ात मैं सोचता था कि खुदा कोई सुप्रीम इंसान के अपने जहन की कल्पना है ताकि वो अपनी सिक्योरिटी महसूस करे। इन बातों की वजह से मैं सोचता था कि बस आपको एक पॉजिटिव इंसान होना चाहिए, लोगों से अच्छाई करो, लोगों के साथ अच्छा मेल जोल रखो, खुद भी खुश रहो और ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खेल तमाशा है, इस ज़िंदगी का भरपूर फ़ायदा उठाओ, यही ज़िंदगी है और कुछ नहीं। और इसी तरह फिजूल किस्म के ख्यालात हर वक्त मेरे जहन में रहते थे। लेकिन ये सारा प्लान अचानक फ्लॉप हो गया, वो इस तरह कि एक दिन मेरे वालिदैन ने मुझे फ़ोन किया कि मेरी दादी फौत हो चुकी हैं। इस बात को सुनकर मैं ये सोचने लगा कि आखिरकार वो कौन है जो लोगों को मारता है, उसके हाथ में ये पावर है कि वो हर एक चीज़ को कंट्रोल करता है। मैं जितना ही कोशिश करूं अपने इन सब चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकता और मौत उनमें से एक है जो कि मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। मेरी दादी मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी, उनसे मुझे बेइंतहा मोहब्बत थी। मैं सोचता था कि आखिर वो कौन सी ताकत है जिसने उनको मुझसे दूर कर दिया और मुझे इतना मौका भी नहीं दिया कि मैं उनको गुड बाय कर सकूं। इस सोच विचार के बाद मुझे महसूस हुआ कि एक खुदा है, उस खुदा को मानने के लिए मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी मज़हब का सहारा लूँ, क्योंकि उस वक्त मैं सोचता था कि ये तमाम मज़ाहब इंसानों के जहन के खुद बनाए हुए हैं। और फिर मैंने तालीम ख़त्म की, सिंगापुर से वापस अपनी नौकरी पर आ गया। उस वक्त तक मुझे मज़हब से कोई सरोकार नहीं था, मेरा मज़हब सिर्फ पैसा था। मैं दिन रात इस भागम दौड़ में था कि मैं पैसा कमाऊं, किस तरह कमाऊं, किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाऊं। और फिर अचानक एक लड़की को अल्लाह ने मेरी तरफ भेज दिया और उसने मेरे साथ थोड़ा सा इस्लाम के बारे में मालूमात का तबादला इख्तियार किया। उसने कहा कि तुम खुद थोड़ी सी जस्तजू करो कि इस्लाम के बारे में कुछ जान सको
और आपको पता चल जाए कि ये कितना खूबसूरत मज़हब है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और उस लड़की को रागिब करने के लिए और उसको अपने साथ दोस्त रखने के लिए मैं इस्लाम के बारे में इंफॉर्मेशन लेने लगा। और दूसरी वजह ये भी थी कि मैं ये बात सीखकर उसको बताना चाहता था कि मज़हब एक झूठ है, नाकामयाब चीज़ है। इसको साबित करने के लिए मैं सिंगापुर में दारुल अरकम गया। दारुल अरकम नामी जगह पर नए मुसलमानों की तरबियत की जाती है और इस्लाम के बारे में उनको मालूमात दी जाती है। बस मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर एक क्लास में दाखिला ले लूँ और इस लड़की को बताऊँ कि ये मज़हब और ये सब झूठ है। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मेरे जहन में जो ख्याल और सवालात आते हैं उसको लिटरेचर के दौरान लिख लिया करो और क्लास के आखिर में इन सवालों के जवाब अपने उस्ताद से पूछ लिया करो, क्योंकि वो उस्ताद सही तरीके से आपके सवालों का जवाब दे सकेगा। मैंने मुख्तलिफ किस्म के सवालात लिखे। उस्ताद का नाम था उस्ताद सैफुररहमान। वो बहुत तालीम याफ्ता था, हर एक सवाल का जवाब बड़े प्रैक्टिकल अंदाज से देता था। मेरा ख्याल था कि वो जवाब में कहेगा कि आंखें बंद कर लो, इन बातों पर यकीन कर लो और बस ईमान ले आओ, और मज़हब में तो बस फेथ चाहिए और आपको और बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी निकला। उसके पास हर बात का एक लॉजिक था, हर जवाब का एक मतलब था, हर सवाल का उनके पास दलाइल के साथ जवाब मौजूद था। लेकिन इन जवाबों को सुनकर फिर भी मेरे जहन में इस्लाम लाने का ख्याल नहीं आया, क्योंकि अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ तो फिर मुझे मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी तब्दील करनी पड़ेगी। रोज़े, नमाज, तरावी, हलाल फूड, बस मैंने दिल में कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ और रिसर्च करना चाहिए, एकदम इतनी बड़ी तब्दीली नामुमकिन है। बस मैंने इस्लामिक स्कूल में और क्लासरूम का भी दाखिला ले लिया और इस तरह मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछता रहा। इस दौरान मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि अगर मैं इस्लाम के बारे में मुतमईन ना हो सका तो फिर मैं आपको जल्द ही बता दूंगा, बस तुम मुझसे शादी के इंतज़ार में ना रहना, अलबत्ता तुम मेरी दोस्त रहोगी। उसने कहा हाँ, लेकिन एक बात यह है कि तुमने मुकम्मल इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करनी है और अगर तुम इस्लाम की तरफ आना चाहते हो तो फिर आपको 100% इस्लाम में आना होगा। मैंने उसको कहा हाँ, मेरी ज़िंदगी की यही ख्वाहिश है कि मुझे ज़िंदगी के मतलब के बारे में इल्म हो जाए, क्योंकि हम क्यों इस दुनिया में आए हैं, किस लिए आए हैं और फिर यहाँ से वापस नामालूम मकाम की तरफ चले जाते हैं, आखिर ये सब कुछ क्या है। और आखिरकार रमज़ान का महीना आ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा तजुर्बा रमज़ान का भी होना चाहिए, चंद दिन रोज़ा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर रोज़ा रखने से भी फ़र्क नहीं आएगा तो फिर तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो कहूँगा कि तुम्हारे रोज़े ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और हम दोनों की राहें जुदा हैं। और फिर पलक झपकते ही मैंने रमज़ान के 30 रोज़े रख लिए। अलबत्ता इस दौरान मैंने एक ख्वाब में देखा कि एक आदमी मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम के दरमियान बैठा है और उससे रोशनी आ रही है। हालांकि वो सिर्फ एक आदमी था और मैं उसके तरफ जा रहा था। वो आदमी बड़े सुकून से उधर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। फिर उसने मुझसे पूछा भाई आप कब और किस वक्त हमारी फैमिली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ मेरी आँख खुल गई। मैंने सोचा आजकल मैं मज़हब के बारे में ज़्यादा पढ़ता हूँ, इसलिए इस किस्म के ख्यालात मेरे ख्वाब में भी आते हैं, ये एक इत्तेफाक है। फिर इसी दिन मेरे दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया, उसका नाम इब्राहिम है। उसने मुझे कहा कि सुना है आजकल आप मुस्लिम सेंटर यानी दारुल अरकम बहुत आते जाते हैं और इस्लामिक स्कूल भी जाते हैं, बताइए आप कब मुसलमान हो रहे हैं। मैंने दिल में सोचा ये भी एक इत्तेफाकी बात है, रात को ख्वाब देखा, दूसरे दिन ये मुझे इस्लाम की दावत दे रहा है। और फिर मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मशरूफ़ हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद अचानक ख्वाब में दोबारा नज़र आया, इस दफ़े तो मुझे सही तौर पर वक्त और दिन भी याद था। ये हफ्ते का दिन था, सुबह 9:30 बजे थे। इस ख्वाब के साथ मैं दोबारा उसी वक्त जाग उठा। मैंने कहा नहीं नहीं, ये इत्तेफाकिया बात नहीं हो सकती, कोई मुझे दावत दे रहा है। बस मैंने कहा चलो इस दफ़ा खुदा को भी टेस्ट करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि वो मुझे सही रास्ता दिखाए। बस मैंने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मुझे मालूम है, मुझे यकीन है कि आप सुप्रीम हैं, बस मुझे सही रास्ता बता, मेरे लिए रास्ता खोल दे, वरना मुझे उस रास्ते पर वापस भिजवा दे जहाँ से मैं चलकर आया हूँ। और फिर इस दुआ के बाद मैंने एक कुरान और एक बाइबल उठाया और फिर मैंने कहा अल्लाह इन किताबों से मैं पहले 3 सफ़े उल्टाकर किसी भी जगह से भी पढ़ूंगा और पहले सफ़े पर आप मुझे अपना मैसेज क्लियर करके दे दो।
बस मैंने पहले बाइबल उठाया क्योंकि उस वक्त तक मैं ईसाई था। बस मैंने दरमियान से 3 सफ़े पलटकर आखिरी सफ़े पर मैसेज पढ़ने की कोशिश की। मैंने बार बार उसको पढ़ा लेकिन कोई बात क्लियर नहीं हुई। ये काम मैंने 3 दफ़ा किया लेकिन 3ों दफ़ा मुझे किसी भी सफ़े से कोई भी सीधा रास्ता नज़र नहीं आया। मुझे तो क्लियर और साफ़ सुथरा जवाब चाहिए था। बस ये अमल होने के बाद मैंने 1 दफ़ा कुरान मजीद को उठाया और बाइबल को एक तरफ रख दिया। मैंने आंखें बंद करके दरमियान में से कुरान को खोला और सूरह हज की पहली आयत पढ़ने को मिली जो कुछ इस तरह है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ। इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, वो लोग जिनको इल्म दिया गया है उनको मालूम होना चाहिए कि ये अल्लाह का कलाम है और उनको इस पर यकीन होना चाहिए ताकि उनके दिल नरम पड़ जाए, और बेशक ये अल्लाह है जिसे चाहता है हिदायत दे देता है। मैंने उस वक्त सोचा कि ये सब कुछ इत्तेफाक हो रहा है। बस मैंने किताब बंद की और इसी तरह दूसरी मर्तबा कुरान मजीद को खोला। उस वक्त चैप्टर 41 और सूरह 53 मेरे आंखों के सामने आई जिसमें तर्जुमे का मफहूम कुछ इस तरह है, और जल्द ही हम उन लोगों को ये निशानियां उस समय बता देंगे कि उस वक्त तक उनको निशानियां नज़र आएंगी जब तक सब कुछ उनके सामने क्लियर ना हो जाए, और बेशक अल्लाह उन सब चीज़ों पर कादिर है और गवाह है। इन आयतों के पढ़ने के बाद ऐसा एहसास हुआ जैसे अल्लाह मुझसे मुखातिब है और मुझसे कह रहा है कि गोया तुमको इन निशानियों के बाद भी यकीन नहीं आ रहा है। और फिर मुझे रीढ़ की हड्डी तक कपकपी महसूस हुई, मैं कांपने लगा और इसके साथ हैरान भी हुआ। फिर मैंने एकदम अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। मैंने कहा, ऐ अल्लाह आपको मैंने टेस्ट किया, ऐ अल्लाह मुझे अपने बंदों की शक्ल में कबूल कर। और मैं दिल से रोने लगा। अचानक महसूस हुआ कि मेरा अल्लाह मेरे बहुत करीब है। मैंने उस अल्लाह को कहा, या अल्लाह मैं हकीकत और सच को झुटला नहीं सकता, अब मुझे आगे की तरफ कदम उठाना ही पड़ेगा। बस मैंने उस वक्त दारुल अरकम को टेलीफोन किया और कहा कि मैं किस तरह से इस्लाम के दायरे में दाखिल हो सकता हूँ, मुझे ये तरीका बताइए। उन्होंने कहा कि पहले आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, फिर आपको शहादा देना पड़ेगा, और इन कामों के लिए तारीख भी मुकर्रर करनी पड़ेगी क्योंकि इस तरह आप कानूनी तौर पर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएंगे। बस 2014 नवंबर 2 को मैंने शहादा पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे दिल पर जो मौजूद बोझ था और बादल छाए हुए थे वो अचानक दूर हो गए। मैंने महसूस किया कि आखिरकार मैंने सच्चाई ढूंढ निकाली। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खबर दी कि मैं मुसलमान हो गया हूँ। ये सुनकर वो रोने लगी और कहने लगी, आपके लिए रातों में मैं कितनी इबादत करती थी और अल्लाह से दुआ करती थी कि ऐ अल्लाह तू मेरे दोस्त को सही रास्ते पर गामजन कर दे, और मैं अल्लाह से कहती थी, या अल्लाह मेरे इस दोस्त को इस्लाम की रोशनी अता कर, और अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। वस्सलाम। अल्लाह हमारे इस भाई को इस्लाम पर इस्तिकामत अता फरमाए और इनकी इस कहानी को लोगों की हिदायत का ज़रिया बनाए, आमीन। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सवाब की नियत से इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे एक और रिवर्ट मुस्लिम की स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो देखा दोस्तों कैसे, उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस बनाया, जो जिस तरह से वो उसमें खामियाजें ढूंढ रहे थे एंड फाइनली एक्सेप्टेड इस्लाम। तो ऐसा अक्सर आए दिन होता है, द थिंग्स वी हेट, जो चीज़ें हमें नहीं पसंद होती एक्चुअली कुछ टाइम बाद जाके, कुछ वक्त जाके वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। दिस इज़ हाउ द साइकोलॉजी, द फिज़िक्स, द साइंस वर्क्स। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल दूँ, जो चीज़ें मुझे बचपन में नहीं पसंद थी, जो मुझे लोग नहीं पसंद हुआ करते, जो दोस्त नहीं पसंद हुआ करते थे, आई थिंक एक टाइम बाद सबसे अच्छे फ्रेंड्स मेरे वही बने हैं। ये मेरा भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद हुआ करती थी अब वो चीज़ें भी मुझे अच्छी लगती हैं। सो ऐसी चीज़ें होती हैं।
चीज़ों में खामियां ढूंढना, सब कुछ करना एक अच्छी बात है क्योंकि आप नए व्यूज़, नए आइडियाज़ लेके आते हो, लेकिन रिलीजन को इन्वॉल्व करके उसमें खामियां ढूंढना आई डोंट थिंक सो इज़ अ यू नो करेक्ट थिंग. बट फाइनली ही रियलाइज्ड व्हाट ही वाज डूइंग एंड फाइनली वो खुद उसमें कन्वर्ट हो गए और उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया. यू नो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग टू वॉच एंड आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे ही अपने सजेशंस कॉमेंट्स में दे देते हैं. सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो, दिस वॉज रियली अमेजिंग एंड आई मिस यू ऑल. आप लोग अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहिए. मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, सलाम अलैकुम. अपना ध्यान रखिएगा.